वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप सबका स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल के चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं अपाचे आरटी R164V स्टैंडर्ड एडिशन और स्पेशल एडिशन। तो कंपनी ने इन दोनों में बाइक में कुछ फीचर्स सिमिलर रखे हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट की हैं। तो जो खरीदने जा रहे हैं तो उनके मन में तो डाउट आ गया कौन सी गाड़ी खरीदे, तो वही यही डाउट मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू द कमोल ऑटो जिन्होंने मुझे ये दोनों बाइक प्रोवाइड की है। TVS की कौन सी भी गाड़ी आपको ख़रीदनी है तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिए कमोल ऑटो को। तो यहाँ पे सारे 2023 के मॉडल अभी आ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कमोल ऑटो की सारी डिटेल्स दे दूँगा, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। कंपेरिजन स्टार्ट करने से पहले इसकी प्राइस देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एडिशन की जो प्राइस है ऑन रोड वो है 1,55,500 और जो स्पेशल एडिशन की प्राइस है 1,61,500 तक। तो दोनों के गाड़ी में 5 to 6,000 का डिफरेंट है, तो 6,000 ये गाड़ी के लिए देना वर्थ है क्या नहीं, तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें पहले डिफरेंट है वो देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, यह है अपनी स्टैंडर्ड एडिशन। तो स्टैंडर्ड एडिशन कुछ ऐसे दिखती है, 2023 में अभी तक कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। ये हेलीडे पहले जो RTR आती थी उसके DRS पहले ऊपर थे, अभी इन लोग ने इनबिल्ट कर दिया है, तो ये अच्छा दिख रहा है अभी दिखने के लिए। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही इंडिकेटर है। बस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को दिख रहा है वो कलर्स में। स्टैंडर्ड एडिशन में 3 कलर्स आते हैं, ब्लैक, ये ब्लू है और एक रेसिंग रेड कलर आता है। और यहाँ पे अपने को पता है एक ही आता है मैट फिनिश में और ये ग्लॉसी फिनिश में आता है। इधर देख लीजिए, मैट फिनिश है, डिफरेंस है। और इसके व्हील देखिए, व्हील भी इसका कलर रेड है, इसका नॉर्मल ब्लैक है। तो पीछे का भी रेयर सेक्शन के जो व्हील्स है वो रेड है। और यहाँ पे जो स्ट्रिप है यहाँ पे वाइट में दिए और वहाँ पे रेड में दिखिए। तो ये कलर में चेंजेस है स्पेशल एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन में। तो स्टैंडर्ड एडिशन में यहाँ पे फेक कार्बन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लेदर रेड कलर यूज़ किया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कलर में चेंजेस है स्टैंडर्ड एडिशन में और स्पेशल एडिशन में। जो सेकेंड डिफरेंस है वो ये, यहाँ पे कोई एडजस्टेबल क्लच नहीं है, यहाँ पे एडजस्टेबल क्लच है। तो यहाँ से बस आगे खींचिए और ये एडजस्टेबल हो सकता है। तो ये डिफरेंस है सेकेंड डिफरेंस। जो थर्ड डिफरेंस है वो इसके कंसोल में। तो यहाँ पे कंसोल ऑन करके दिखा देता हूँ, अभी आपको शो नहीं करेगा तो मैं अंदर जाके दिखा दूँगा। यहाँ पे ऑरेंज लाइट है और वहाँ पे जो स्पेशल एडिशन में ब्लू लाइट है, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अपाचे RTR 164V स्पेशल एडिशन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। माफ़ करना, यहाँ पे धूप है थोड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लीजिए यहाँ पे, हाँ ऐसा करके आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे एवरेज स्पीड। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दोनों सेगमेंट में मोड्स आते हैं, यहाँ पे आप उन मोड्स एडजस्ट कर सकते हो। तो डिस्प्ले में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है अभी देख लीजिए। एवरेज स्पीड किलोमीटर, तो यहाँ पे लैप टाइमर मोड आता है, यहाँ पे हाई स्पीड आती है कितनी अभी तक गई है 111, और यहाँ पे 0 to 60 कितने सेकेंड में गई ये भी शो करती है। और यहाँ पे मेन फंक्शन जो इसके लिए 5 to 6,000, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो आप ऐप थ्रू यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो और मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जो नोटिफिकेशन, कॉल के नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन और टर्न बाय टर्न इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ में तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फेच कर सकते हो। यहाँ पे मोड का ऑप्शन है और यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए।
और जो ऐप थ्रू यहाँ पे जा रहे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फेच कर सकते हो 10x10 इंडिकेटर। तो इसका यूज आप ट्रैफिक में जहाँ पे न्यू गली है न्यू एरिया में आप जा रहे हो तो वहाँ पे 10x10 इंडिकेटर इंडिकेशन का उपयोग बहुत काम पे आता है। तो ग्राफिक्स में यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट लिखा है, इसका ही अभी जो स्टैंडर्डेशन अभी देख लेते हैं। तो डिस्प्ले ऑन करने के बाद तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो सेम ही है कंसोल, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें घटाई है, जैसे कि तो यहाँ पे भी आपने को फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मोड्स मिलते हैं, अर्बन रेन एंड स्पोर्ट। अर्बन एंड रेन पे आपने को बहुत अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, और स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम कैपेसिटी पावर पे जाती है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देती है। तो यहाँ पे भी टाइम दिखता है, यहाँ पे बस गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, सारी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे भी है, ओडोमीटर ट्रिप मीटर, यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2, और यहाँ पे ऊपर टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर। तो मैंने आपको डिफरेंस तो अभी बता दिया है, तो अभी ये गाड़ी के हम लोग फीचर्स एक बाय वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये जो नया लुक है मेरे को बहुत पसंद आता है, इंडिकेटर ऑन करके भी दिखा देता हूँ। अभी धूप है तभी भी थ्रो देखिए अच्छा खासा दिख रहा है। तो नीचे आते हुए यहाँ पे सस्पेंशन 31mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहाँ पे इनका प्रोटेक्टर भी है। तो यहाँ पे नीचे है 270mm के डिस्क ब्रेक, तो इनका भी अच्छा खासा बाइट है। यहाँ पे जो कैलिपर से इनका यहाँ पे नाम तो मेंशन नहीं किया है, और ये ट्यूबलेस टायर से टायर की साइज में आपको बता देता हूँ, 90x90/17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर से ये दिखने के लिए छोटे लग रहे हैं, इन लोग ने बड़ा करना चाहिए। यहाँ पे इंजन गार्ड का प्रोटेक्शन, ये टैंक बड़ा है, यहाँ पे 12 लीटर का टैंक दिया है, अच्छा खासी मस्कुलर भी दिखती है, चलाने के लिए भी अच्छी है गाड़ी। टैंक से नीचे है तो यहाँ पे इंजन है, इंजन के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे ही है, 159.7 सीसी का SOAC 4 वॉल्व ऑयल कूल प्लस एयर कूल इंजन है, और ये प्रोड्यूस करता है 17.55 PS की मैक्स पावर एंड 14.73 Nm का टॉर्क। अच्छा खासा ये गाड़ी है, तो इसकी वजह से ये अपने को 45 km तक माइलेज देती है कि कंपनी ऐसा क्लेम करती है। तो इंजन से पीछे आते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है वो 200mm की डिस्क ब्रेक है, और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जो बैरल है वो डबल बैरल है, वो बीफी जो साउंड देने वाला न्यू बैरल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है वो गाड़ी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इन फ्यूचर में यहाँ पे शुरू में अवेलेबल हो गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ज़्यादा कुछ इस गाड़ी में डिफरेंस नहीं है, बस यही एग्जॉस्ट चेंज किया है, गाड़ी वही है, स्पेसिफिकेशन सारे वही है, बस जो बैरल है वो चेंज कर दिया है। जो पीछे का टायर है वो 130 सेक्शन का 17x17 सेक्शन के जो रेडियल टायर है, तो इसकी वजह से अपने को माइलेज अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अभी साउंड सुन लेते हैं, गाड़ी का अभी साउंड सुन लेते हैं। गाड़ी के डायमेंशन के ऊपर तो डायमेंशन है, इसका जो हाइट है वो 800mm की हाइट है, तो 5.3 5.2 या 5.7 तक जो जिसकी हाइट है वो इजीली चला पाएंगे। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसका वेट है 146 kg, तो इससे स्टेबिलिटी भी मिल जाएगा। तो यही स्पेसिफिकेशन अपने जो स्टैंडर्ड एडिशन में है, तो साउंड सुना के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बैरल जो डबल बैरल है जो नया जो बीफी वाला जो बैरल है वो अभी तक अपने को अवेलेबल नहीं है शोरूम में। तो इन फ्यूचर में आए तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो DRL से देख लीजिए, यहाँ पे अभी तक बल्ब ही है, यहाँ पे कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर से, तो ये अच्छी बात है। और ये दोनों भी गाड़ी सिंगल चैनल ABS है, तो यहाँ पे अभी कोई ड्यूअल चैनल ABS नहीं आया अभी तक, इन फ्यूचर में आ सकता है। तो किन्हें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जान लीजिए जो बेसिक ओवरऑल दे देता हूँ, यहाँ पे अपने को क्या मिलने वाला है, जो सारे स्पेसिफिकेशन है, बस यहाँ पे ब्लूटूथ और ये एडजस्टेबल और कलर, यही डिफरेंस इसमें नहीं है, यहाँ पे अपने को वो मिलने वाला है। तो 5000-6000 देना वर्थ है क्या नहीं, तो ज़रूर वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे अपने को स्मार्ट कनेक्ट मिल रहा है प्लस ब्लूटूथ मिल रहा है। तो आज के यंग यूथ में अपने को पता है जो नए एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे तो 10 बार तो हम लोग मोबाइल ओपन करके देख नहीं सकते ना किधर जाने का है, किधर से लेफ्ट लिया राइट लेने का है, तो वही फीचर कंपनी ने ध्यान में रख के यहाँ पे दिया है। तो
जो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाती है और किन्होंने ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो जो डेली रूट करते हैं, सुबह उठे काम पे जाते हैं, उनका एक ही रूट रहता है, तो उनके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। ये भी अच्छी बेस्ट अपने सेगमेंट में। दोनों भी गाड़ी सेम ही है, बस यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टेड दिया है। तो आपने चॉइस के ऊपर है, आपको ब्लूटूथ लेना है और ये जो नए फीचर्स है वो कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर मेरे को बहुत अपीलिंग दिखता है। तो कलर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर ये गाड़ी के लिए जाइए, नहीं तो आपको सेकेंड ऑप्शन है ही, तो आप इस पर भी जा सकते हो। तो आपके लिए ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए ऐसे ही जो कंपैरिटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। टिल देन सेफ राइड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय।